रादौर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का पर्व। महिलाओं ने किया होली का पूजन, रंग बिरंगी पिचकारियों व रंगों से सजे बाजार। महिलाएं बोली, होली आपसी बैर भाव भुलाकर खुशी से मनाने का पर्व। दुकानदार बोले, 2 वर्ष से कोरोना संकट के चलते फीके रहे होली के पर्व पर इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद। देश भर की तरह रादौर में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली पर्व को लेकर जहां बाजार रंग बिरंगी पिचकारी से सजे, वहीं महिलाओं द्वारा होली का पूजन कर्पूर को मनाया जा रहा है। रादौर से कुलदीप सैन की रिपोर्ट। काफी अच्छा लगता है, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे थे, स्टडी में भी लगा लो बहुत टेंशन थी, त्योहारों में लगा लो कि वो खुशी वो चाव वो आनंद नहीं हम कर पा रहे थे, अपने बच्चों को यूँ नहीं है। अब ये है अच्छे से बच्चों को रेडी शेडी करके, बच्चों के लिए भी त्यौहार एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बच्चों को यहाँ लेके आए, हमें भी अच्छा लग रहा है। त्यौहार पूरी खुशी से मनाया जा रहा है इस बार, 2 साल से वो त्यौहार की वो आनंद नहीं आ रहा था। होली पे ये है पानी की वेस्टेज थोड़ा कम करें, बाकी गुलाल से खेलो, पानी से खेलते हैं तो उसमें छोटे मोटे लगने का भी डर रहता है, गुलाल से खेलिए। हाँ, वो दंगे नहीं होने चाहिए, उन्होंने त्यौहार का महत्व ख़त्म कर दिया, मतलब जैसे वो इसको चोट पहुंचानी वो करना, उससे त्यौहार की खुशी की बजाय किसी के आईज में कुछ चला गया, किसी के गले में कुछ चला गया कलर, वो एक वो करते हैं आपस में ये लगा लो बैर वाली, हाँ बैर वाली भावना को वो करते हैं। अब की बार उत्साह देखने को मिल रहा है, पिछले 2 सालों से जैसे कोरोना काल के चलते होली का इतना प्रभाव नहीं दिख रहा था, अब की बार ग्राहक भी थोड़ा निकला है, थोड़ी उम्मीद है कि होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब की बार जो है कि लोग ज़्यादातर क्या है कि प्राकृतिक रंगों से ही खेलना पसंद करते हैं, ना कि पानी वगैरह के, उससे सिंथेटिक कलर नहीं यूज़ करते, प्राकृतिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं। पिचकारियाँ सारी तरह की मिल जाती हैं, खिलौने वाली वैसी 50 रुपये से लेके 190 तक हर एक तरह की पिचकारी मिल जाती है, चेत तो खिलौने वाली, पंप वाली, तरह तरह की पिचकारियाँ पसंद करते हैं बच्चों से, उत्साह बहुत बन रहा है मार्केट में।